हाँ, उसमें कर्क माने केकड़ा भी बना रहता है, कहीं कहीं केकड़ा भी ऐसा पड़ी रहती है, दिखी रहती है। ये कैंसर के लिए कारण है। वह जानता है, उसका श्रद्धान भी है, लेकिन कुटका पड़ रहा है और पढ़ करके और मुख में हंस करके डाल रहा है। चारित्र परिवर्तन कैसा होता है तो आचार्य भगवान के वहां से कोई चारित्र नहीं होता, उसका सम्यक्त के योग्य उसका आचरण होता है, बस वो चारित्र नहीं लिया वहां पर। सम्यक्त के योग आचरण के मतलब जिस प्रकार से सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे उस प्रकार की क्रिया करता है। उसके लिए बताया कि 8 अंगों से युक्त वह अपनी क्रिया करता है, 25 दोष रूप वह क्रियाएं नहीं करता, यही सम्यक्त के योग आचरण कहलाता है। असंयमी है, यहां संयम नहीं, ये पंचम गुणस्थान में भी संयम नहीं, वहां पर संयम असंयम है, ये तो आगे वालों के लिए संयम होता है, लेकिन फिर भी योग आचरण तो करता है। और अणुवृत्ति हो जाए तो फिर उसमें उसके अनुरूप 5 अणुवृत्त आ जाते हैं, तो उन अणुवृत्त के अनुसार उसकी चर्या होती है, और 7 सील और आ जाते हैं तो 12 व्रतों में वह बंद करके चलता है। तब तो ये ठीक है, नहीं तो नहीं। अब असंयमी व्यक्ति है, अब उसके लिए कोई 4 हाथ देख के चलेगा क्या? नहीं, चल रहा है, गाड़ी भी में बैठा हुआ है, और गाड़ी में चलते हुए बरसात में कैसे जीव रहते हैं, मेंढक आदि सब आते चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि भी मेंढक हो सकते हैं, अणुवृत्ति भी हो सकते हैं, और आपकी गाड़ी के नीचे आ गए तो क्या होगा बताओ? एक सम्यक्त की का मरण हो गया, एक अणुवृत्ति का मरण हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि नीचे देख करके चलो, पानी छान करके पियो, और मुख से बोलो तो सत्य वचनों का प्रयोग करो, जिससे आपका श्रावक धर्म अच्छे से चलेगा। दृष्टिपूतम निषेध पादम, ऐसे जैनितर ग्रंथों में भी कहे गए, मनुस्मृति आदि में, वो सब यहीं से गए हैं सारी चीज। तो जब भी अपना पैर रखो तो नीचे दृष्टि डाल करके उस पैर को रखिए, कहीं वहां पर कोई वैसा पंचेंद्रीय जीव तो नहीं। चने बराबर भी मेंढक होते हैं, चने बराबर जानते, और उसी के रंग वाले वो हैं, मिट्टी पड़ी हो उसी के रंग होते हैं, इस प्रकार से हो जाते, संभूषण होते। अब वो क्या दिखेंगे, आपकी गाड़ी इतनी तेज भाग रही है कि बड़े बड़े तो दिखते नहीं, वे भी चपेट में आ जाते हैं, तो फिर चने वाले कैसे दिखेंगे? मेंढक मान लो ऐसे बैठे हैं 10-20 मेंढक छोटे छोटे, वो क्या दिखेंगे? नहीं दिख पाते। इसलिए विवेक के साथ हमें क्रियाएं करना, विवेकी व्यक्ति जो है वह हमेशा हमेशा जागृत रहता है, ऐसा जानना चाहिए। प्रति समय सजग रहना ही जागना। देखो कितनी अच्छी बात है। अब इसमें ऐसा नहीं कि हमें दिन में जागना है कि रात में जागना, नहीं, प्रति समय कर्मों का बंद चल रहा है, और एक समय में ये बदने वाले संख्या बहुत रहती है, वो प्रति समय बन रहे, कहीं किस समय हमारा कौन सा भाव हो जाए और वह कर्म बन जाए, तो कहते हैं एक समय में बांधे गए कर्म फिर अनेक समयों तक उदय में आते हैं, और अनेक समय क्या, सागरों पर्यंत। मजा मिनटों का है और सजा बरसों की, भवों भवों की सजा हो जाती है। इसलिए जागृत रहना बहुत जरूरी है, विवेक के साथ हर चीज करना जरूरी है, वही वास्तव में विवेकी जो है वह जागृत रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि का निद्रा, निद्रा क्या है? अभी तो ये जगना हो गया, इसी का अब इस रूप में पूछ रहे हैं कि निद्रा का।
निद्रा क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है, मूढ़ता जंतो यानि प्राणियों की। प्राणियों की निद्रा क्या है? तो कहते हैं मूढ़ता ही निद्रा है, सोना मात्र निद्रा नहीं। ये तो आप इसलिए यहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही है। अब निद्रा, वास्तविक निद्रा क्या है? तो मूढ़ बने रहना ही निद्रा है। कहते मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु बा। ये निद्रा कब से? अनादि काल से यह निद्रा है, मूढ़ता की निद्रा चली आ रही है। और मूढ़ होकर के हम कार्य कर रहे हैं उसमें विवेक के साथ नहीं। अविवेक के साथ क्रियाएं जो की जाती हैं और देखा देखी जो क्रियाएं की जाती हैं वो सब मूढ़ता की कोटि में आ जाती है। अपनी दुकान की पूजा करना, अपने घर की पूजा करना, अपने धन की पूजा करना, हमारे परिवार वाले करते आए हैं, वो जब भी दीपावली आती है सो धन रखते हैं सामने जितना है पूरा का पूरा, और फिर पूजा चालू हो जाती है। इससे क्या होगा? धन की पूजा करेंगे तो धन बढ़ेगा। और उन्होंने देख लिया चोरों ने कि ये इन सेठ जी का धन तो दिवाली के दिन ही बाहर निकलता है। इधर पूजा चल रही थी, उधर आकर के पीछे से गोली बंदूक अड़ा दी, सब इस झोली में डालिए, और डाल करके ले गए। अब बताओ, अब भी समझ में नहीं आई? अब तो समझ जाओ कि अब इसकी पूजा नहीं करना है, अच्छी तरह से देव शास्त्र गुरु की पूजा कर। तो ऐसी बहुत सारी मूर्ताएं हैं संसार में चलती रहती हैं, जिन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं होता, जिन्हें जनेंद्र भगवान के मत का ज्ञान नहीं होता, मत के ऊपर सिद्धांत नहीं होता उनके, और दूसरे स्थानों पर ये विवेक आपको नहीं मिलेगा। ऐसी भी मूर्ताएं चलती हैं, बालू आदि के ढेर लगाना, नदियों पर जाते हैं और बालू के ढेर लगा करके फिर स्नान करके आते। अब पूछा भैया ये ढेर क्यों लगा रहे हो? तो ये कुछ नहीं पता, यहाँ पर ढेर लगाया जाता है और इसमें फिर स्नान किया जाता है। वो जितने सारे सारे यहाँ सब लोग तो कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है? एक बाबा जी थे, उनके पास कमंडलू था, वो कमंडलू लेकर के वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर रख करके हम डुबकी लगाएंगे और कोई ले गया तो ऐसा करो कि इसको बालू, यहाँ बहुत सारे बालू का स्थान है, बालू बालू है, तो उन्होंने गड्ढा किया और उसमें रख दिया और थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया, है ना। उसको कोई ने देख नहीं पाया, लेकिन ये तो देख लिया कि इन्होंने कुछ ढेर बनाया है, और फिर जाकर के स्नान और उस पर कुछ लगाना भी, तो निशान बना दिया, झंडी लगा दी, कुछ लगा दिया। तो दूसरा आया तो अरे ऐसा होता है क्या, ये भी कर रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ तो है। तो दूसरा भी इस प्रकार से वहीं पर ढेर लगाया। तीसरा आया, उसने भी आया। अब बाबा जी बाहर निकले तो कहते हैं कि कहाँ है भाई ये, तो ये क्या है, यहाँ तो बहुत सारी चीजें आ गई, अब ढूंढो। इस प्रकार से परंपरा चालू हुई, सो हो गई और चल रही है अभी तक। कोई पत्थरों के ढेर लगाते हैं, कोई बालू के ढेर लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से। पहले सती परंपरा चलती थी कि अगर किसी के पति का मरण हो गया तो जाकर के उसको भी उसी में उस चिता में अपनी आहुति देना पड़ती थी, अगर नहीं दोगे तो गांव के लोग ले जाकर के सती हो जाती। ये प्रथा भी जब
इस प्रकार से ठीक नहीं हुई तो इसको बंद करवाया गया। ये सारी मूलताएं इसको धर्म मान करके चिता आदि में अपने आप को समर्पित कर देना, ये सब मूलताएं हैं, इसका नाम धर्म नहीं है। और भी अनेक प्रकार की, देखो ये भी एक दृष्टांत आया था कि एक घर में विवाह हो रहा था और बिल्ली परेशान कर रही थी बार बार, इधर से उधर इधर से उधर, जैसे आपके यहां विधान चल रहा था वो बिल्ली परेशान कर रही थी, ऐसी वहां परेशान बिल्ली कर रही थी, तो क्या किया कि इस बिल्ली को एक स्थान पर व्यवस्थित कर दो, उसके ऊपर एक टोकरी ला करके रख दी और वजन उसके ऊपर रख दिया, अब इसी के अंदर रहेगा। और लोगों ने भी देख लिया कि ऐसा ये करते हैं, यानी ये विवाह आदि का कार्यक्रम चल रहा है, मतलब इस विवाह आदि में ये भी किया जाता, एक एक क्रिया ये भी। तो जब भी जिसका विवाह हुआ तो बिल्ली को एक टोकरी के अंदर रखना प्रारंभ हो गया। ये सारी सारी मूलता है। और भी आप लोगों को सुनाया था, एक और सुनाया था कि एक स्थान पर ऐसा भी मंदिर बना है जिस मंदिर का इतिहास क्या है, वहां पर एक जलूस निकल रहा था, रास्ते आदि साफ कर दिए गए थे और जलूस आकर के उस गली में मुड़ने वाला था, उसके पूर्व में एक कुत्ता आया और वहीं पर गंदगी कर दिए बाजू में। अब ऐसी स्थिति में अब जलूस भी आने वाला है और इतने जल्दी सब काम नहीं हो सकता, उस जलूस में लोग फूल लेकर के जा रहे थे तो एक ने वहां उस पर फूल डाल दिए और ढक दो इसको, तो जब वहां फूल डले दिखे तो सब लोग हाथ में फूल ले किसी श्रद्धांजलि में जा रहे होंगे, तो सबने वहीं पर फूल डालना, वो डाल रहे तो फूल फूल वाला स्थान है। अब फूल फूल डालते हुए जब बहुत सारे फूल चढ़ गए तो एक आया तो वहां पर नरियल चढ़ा दिया, दूसरा आया तो उसमें अगरबत्ती लगा दी, और अब वहां पर धीरे धीरे इस प्रकार से काम होने लगा। एक अच्छा श्रद्धालु था, उसने कहा यह तो मंदिर बनना चाहिए, और वहां पर मंदिर बना दिया गया और उसमें एक प्रतिमा भी रख दी गई और वह प्रसिद्ध हो गया मंदिर। उसका इतिहास ये है। तो ये सारी चीजें, इसके पीछे विचार नहीं किया जाता, बिना विचारे और अविवेक पूर्ण प्रवाह में बहते चले जाने का नाम मूर्ता है। ऐसी मूर्ता से बचना चाहिए। लोक मूर्ता में ऐसी बहुत सारी चीजें, देश विदेशों में भी इसमें बहुत सारी मूर्ताएं लिखी हैं महाराज ने, कि ऐसी ये मूर्तियां सब चलती रहती हैं। ये मूर्ताएं भारत में हैं किंतु विदेशों में भी इस प्रकार की मूर्ता चलती है। न्यूजीलैंड वासी मरे हुए व्यक्ति के हाथ बांधकर कब्र में गाड़ते हैं, पीछे उनकी यह धारणा है कि कहीं वह कब्र खोद करके बाहर ना जाए। ऐसी कई बार घटनाएं घट जाती हैं। शास्त्रों में कहा है कि मुर्दा है और मुर्दे को ले जाते हैं, तो मुर्दे को जब ले जाते हैं तो उसका सिर कहाँ होता है और पैर कहाँ होते हैं, पैर किए जाते हैं स्मशान की ओर और सिर किया जाता है नगर की ओर। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, इस तरफ पैर कर दें और सिर उस तरफ कर दें, नहीं। मुर्दे में भी कई बार कौतूहल बस कोई देव प्रवेश कर जाए, तो जब देव प्रवेश कर गया मान लो उसमें, तो मुर्दा जो है ना उसी तरफ पैर हैं उसी तरफ वह जाएगा, शमशान की ओर भागेगा। इसलिए इस प्रकार से करता है, कैसा करते, अगर देखो आप सिर जो है ना इधर पीछे सिर है देखना और पैर हो रहे हैं, तो वो सीधा खड़ा होगा तो सामने ही उसके वो देखेगी स्मशान। मुर्दा ऐसे ही खड़ा होता है, आपके नगर की ओर उसका सिर है, सीधा ऐसा लेटा हुआ है, अब वो खड़ा होगा तो उसका मुख किस सामने होगा, स्मशान।
हाँ वही तो कह रहे हैं। नहीं ऐसे ही बोला, आप लोग ने ना आप लोग ने समझा नहीं होगा, उसका सिर होगा नगर की ओर, मुख नहीं नगर की ओर होगा, मुख नगर की नहीं ओर। अब लेटा के ले जा रहे हैं तो ये सिर है इसका, ये है पैर। अब इसमें कोई मान लो देव प्रवेश कर गया तो ये ऐसा खड़ा होगा और सामने स्मशान की ओर भागेगा, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो ऐसा करके आपके नगर की ओर भागेगा। ऐसे ही हो सकता है किसी मुर्दे को गाड़ दिया हो, गाड़ते समय उसी समय कोई उसमें व्यंतर प्रवेश कर गया हो और आकर के वह नगर की ओर, तो अगर खड़ा ही हो जाए मुर्दा, वहां एक भी नहीं बचेगा, सब भाग जाते हैं। तो ऐसा कर लिया तो हो सकता है कि इसको देख करके भैया इसके हाथ पैर बांध दो और इसको रख दो, या फिर आगे कभी कोई मान लो इस प्रकार से घटना, तो परंपरा इस प्रकार की बन जाती है और उसी को ही धर्म मान करके करके लग जाना। ये सारी मूलता है। और भी अफ्रीका के लोग सर्प को मारकर उसकी खाल को पेड़ पर लटका देते हैं तथा नवजात शिशु को उस खाल से स्पर्श करते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा स्पर्श करने से बच्चे को कभी सर्प नहीं। ये सारी मूलता के अंतर। एक एस्किमो निवासी हवा की दिशा बदलने के लिए ढोल बजाते हैं। अगर हवा तेज आ रही हो, हवा को कहीं बदलना है तो ढोल बजा करके इस प्रकार से करते। ये सारी सारी हैं। और भी मिस्र के व्यक्ति काले बैल जिसके सिर पर सफेद धब्बा हो उसे पूजते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसे बैल की उपस्थिति में पशुओं में बीमारी नहीं होती। एक बैल ही रहेगा तो कोई बीमारी यहाँ पर नहीं होती। इस प्रकार क्यूबा निवासी चांदनी को बुरा मानते हैं, अतः वे चांदनी में नंगे सिर नहीं निकलते, सिर को ढक करके निकलते हैं कि चांदनी ना पड़ जाए, नहीं तो हमारा अहित हो जाएगा। ये सारी सारी चीजें होती हैं। इस प्रकार से ग्रीनलैंड निवासी बच्चे के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाते हैं। अगर कोई बच्चा मर गया तो कुत्ते को भी उसके साथ, जिंदा कुत्ते को भी दफना देते। उनका मानना है कि ऐसा करने से वह कुत्ता उसे अगली दुनिया में मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि कुत्ता कहीं भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है, इसलिए इसको भी कहीं मार्ग मिल जाएगा। इस प्रकार से जापान के लोग यात्रा में जाने से पहले नाखून नहीं काटते, पेरू में वर्षा लाने के लिए काड़ी भेड़ को मैदान में खड़ी कर देते और जब तक वर्षा नहीं आती उसे भोजन नहीं देते।